हमीरपुर जिले की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5000 रुपये के एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी ने अपने और चार साथियों के साथ मिलकर मझगामा थाने के टोला रावत गांव में एक नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी और बाद में अपने ही एक साथी की हरिद्वार में हत्या कर फरार चल रहा था। अगस्त 2016 में हमीरपुर जिले के मझगामा थाना क्षेत्र के टोला रावत निवासी देवपाल के पुत्र भूपेंद्र का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। ये लोग हमीरपुर से भागकर हरिद्वार के एक होटल में ठहरे, जहां उनमें से एक साथी की हत्या इन लोगों द्वारा कर दी गई, जहां पर मनीष की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये लोग हत्या को अंजाम देकर वहां से भी फरार हो गए। बाद में उनमें से हमीरपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन यह आरोपी बद्रीनाथ फरार चल रहा था, जिसमें से बद्री प्रसाद को मुखबिर की सूचना पर चिकासी थाना पुलिस ने 2 अवैध तमंचों और 2 जिंदा कारतूसों सहित धर दबोचा, जिस पर अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने खुलासा करने वाली टीम को 5000 का इनाम देकर सम्मानित किया है। ये अगस्त 2016 में एक 14 वर्षीय लड़के के अपहरण करके हत्या कर दी गई थी थाना मझगुआ क्षेत्र में। इसका एक अपराधी, इसका मकलूरी में चालान किया गया था, बद्री नाम का व्यक्ति जो गोहान जरिया कराने वाला है। ये उस समय से फरार चल रहा था और इसके ऊपर इनाम भी घोषित था। थाना चिकासी पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है और इसको जो है आज जेल भेजा जा रहा है। इस पर 5000 रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तार करने वाली टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2000 रुपये का इनाम दिया गया है। सर, इसके साथ इसके पास से बरामदगी क्या हुई? इसके पास से एक कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुई है। जनपद हमीरपुर से शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट।